हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां अभी हमने बात करी है स्टेप टू राइट द फर्स्ट जावा प्रोग्राम, जिसको भी हमने थ्योरेटिकल समझा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जावा के कोड को लिखना है। तो चलिए फटाफट इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को भी हम देख लेते हैं। लेकिन आई होप कि आपने जावा इंस्टॉल कर ली है, और अगर अभी भी आपने जावा इंस्टॉल नहीं की है तो काइंडली रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सबसे पहले मेरे जावा इंस्टॉलेशन वाले वीडियो को देख लें, जहां पर मैंने जावा के इंस्टॉलेशन से लेके क्लास पाथ सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन की हैं कि किस तरीके से आपको जावा को इंस्टॉल करना है, किस तरीके से आपको क्लास पाथ सेट करना है। ओके, और यदि आपने सब कुछ प्रॉपर कर लिया है तो चलिए जावा का फर्स्ट प्रोग्राम हम यहां पे लिख के देखते हैं। लेकिन स्टिल अभी भी इस प्रोग्राम में मैं आपको केवल स्टेप बताने वाला हूं, जो भी हमने क्लासरूम में डिस्कस किया है। मैं अभी कोडिंग में क्या लिखूंगा ये स्टिल अभी आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो हमारी होगी वहां पर हम समझेंगे कि एक्चुअली मैं कोडिंग में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिख रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का क्या मतलब है। ओके, लेकिन यहां पर अभी हम केवल स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि यदि आप एक नॉन आईडीई एनवायरनमेंट में हैं, लाइक वी डोंट हैव एनी नेटबीन्स एडिटर राइट नाउ, अभी हमारे पास ना वीएस कोड है ना नेटबीन्स है, अभी हमारे पास केवल नोटपैड है, और यही सारी चीजें भी हमने क्लास में भी समझी है। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम नोटपैड में जावा का पहला प्रोग्राम लिख के उसको कंपाइल और रन करेंगे। तो पहली स्टेप में आपको क्या करना है, सबसे पहली स्टेप में आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं सी ड्राइव में ही अपना एक फोल्डर बना लेता हूं। सपोज मैंने इस फोल्डर का नाम रखा माय जावा, मैं उसी नाम से बना रहा हूं जिस नाम से, अच्छा ऑलरेडी माय जावा नाम का फोल्डर है, सो बढ़िया है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें खाली कर देता हूं इसको। ओके, तो ये मेरा माय जावा फोल्डर जो कि अभी हमने क्रिएट किया, देखिए फिर से बना लेते हैं, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, और मैंने इसका नाम रख दिया माय जावा। आप किसी भी नाम से फोल्डर बना सकते हैं और किसी भी ड्राइव में, मतलब नॉट नेसेसरी कि आपको सी ड्राइव में ही बनाना है, यू कैन गो विद द डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। ओके, तो अब एक बार फोल्डर क्रिएट करने के बाद अब हम आते हैं नोटपैड में। तो हमने सबसे पहले नोटपैड को ओपन किया। ओके, और नोटपैड में मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज ठीक है इंक्रीज है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये नोटपैड में अब यहां पर हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। बट रिमेंबर दिस थिंग, मैंने अभी आपको ये कोड क्या लिख रहा हूं ये अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल आप एक बार इसको रन करके देख लें, उसके बाद में आपको इसको डिटेल में, नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही होगा। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एंड देन स्ट्रिंग एआरजीएस, ठीक। हमेशा ध्यान रखिए क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लिखें, क्यों, स्टिल देयर इज अ रीजन, अभी मैं बताता हूं आपको जब हम इसके कोड डिस्कशन पे आएंगे, राइट। सो ये अभी हमने लिख दिया, एंड देन हियर वी हैव टू राइट कैपिटल एस के साथ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। यहां पर आप देखिए मैंने कैपिटल में क्या क्या लिखा हुआ है, क्लास के नाम का फर्स्ट लेटर इट्स इन कैपिटल, स्ट्रिंग का एस इट्स इन कैपिटल, सिस्टम का एस इट्स इन कैपिटल। ये सब क्यों लिख रहा हूं मैं, डोंट कंफ्यूज, ये क्या है, डोंट कंफ्यूज, बस आप अभी केवल स्टेप समझिए। ये मैं लिख दिया वेलकम इन डेटा फ्लेयर फ्री जावा कोर्स, ठीक है। तो ये अभी हमने प्रोग्राम लिखा, और अब मैं इसको सेव करता हूं। तो आप देखिए सेव करते टाइम बस आपको ये कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है कि आप इसको सेव करिए अपने फोल्डर में सी ड्राइव में, माय जावा फोल्डर, ये रहा हमारा माय जावा फोल्डर, और यहां पर आपको जो क्लास का नाम है, क्लास का नाम क्या है टेस्ट, इसी नाम से इस प्रोग्राम को सेव करना है, टेस्ट का टी कैपिटल डॉट जावा। ओके, तो क्लास का नाम और प्रोग्राम का नाम एग्जैक्ट सेम रखना है, क्यों रखना है सर, अरे बेटा अभी जब कोडिंग एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा मैं तो मैं आपको एक एक लाइन समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। तो हमने इसको सेव किया टेस्ट डॉट जावा के नाम से, और अब देखिए ये प्रोग्राम मेरा बन गया, राइट। अब मैं यहां पर इंटेंशनली अभी कुछ सिंटेक्स एरर लिख रहा हूं, मतलब मैंने कर्ली ब्रैकेट सपोज नहीं लगाया, ठीक है, मैंने कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि मैं मुझे आपको यह भी बताना है कि एरर किस तरीके से आती है, राइट। तो अभी मैंने अगर कर्ली ब्रैकेट को यूज नहीं किया, अब ये देखिए प्रोग्राम मैंने नोटपैड को मिनिमाइज कर लिया, देन वी हैव टू गो इन कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहां पर हमने टाइप किया cmd कमांड प्रॉम्प्ट, और ये आ गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहां पर मुझे सी दिस वन इज माय कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो अब इस कमांड प्रॉम्प्ट में आके अब मुझे क्या करना है, यहां पे इस कमांड प्रॉम्प्ट पे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, अब इस कमांड प्रॉम्प्ट पे मुझे क्या करना है, यहां पे हमें यहां पर अब मुझे सबसे पहले देखिए मैं कहां पर हूं, सी में यूजर में एडमिन फोल्डर में, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप इससे बाहर आनी है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो आप सीडी डॉट डॉट एक स्टेप बाहर निकले, सीडी डॉट डॉट सेकंड स्टेप बाहर निकले। लेकिन अगर आप देखिए यदि आप फिर से मैं उसी फोल्डर में जाता हूं सीडी यूजर सीडी एडमिन, यदि आप यहां से
कंप्लीटली बाहर आना चाहते हैं तो CD/ ये आ गए आप सी ड्राइव पे, और देयर इज अ कमांड कॉल्ड CLS जिससे आप स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हम आ गए अभी कहां पे, सी ड्राइव में, लेकिन हमें एक्चुअली हमारे फोल्डर में जाना है, तो देयर इज अ कमांड कॉल्ड CD चेंज द डायरेक्टरी। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज द डायरेक्टरी, तो हमने क्या लिखा, CD माय जावा। और आप देखिए यहां पर अगर मैं DIR कमांड को रन करता हूं तो यू विल फाइंड दिस test.java, इसका मतलब है .java फाइल हमारी सेव्ड है, और ये आज की डेट टाइम बता रहा है कि हमने कब इसको सेव की है। ओके, तो अब अगर मान लो मैं इसको CLS कर देता हूं, ओके, एंड देन आफ्टर अगर मैं कंपाइल करता हूं जावा का प्रोग्राम, तो हमने क्या लिखा, java c test.java। और आप देखिए यदि आपने जावा सी लिखा, इन यू विल फाइंड इन जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो आपको समझ में है, क्लास में मैंने आपको बताया क्या करना है आपको, अगर वो कमांड आती है, सॉरी अगर वो एरर आती है, अगर आप कमांड लिखते हैं जावा सी एंड यू विल फाइंड एन एरर, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो इसका मतलब ही है कि या तो आपने जावा को इंस्टॉल नहीं किया है या आपने क्लास पाथ सेट नहीं किया है, राइट। तो उसके लिए ही मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरे इंस्टॉलेशन वाले वीडियो को समझ लें, ओके। लेकिन अगर सब कुछ सही है तो बाकायदा ये प्रोग्राम एरर देगा, फिर सही है तो हर एरर क्यों आएगी, अरे भाई हम इंटेंशनली एरर देके आ रहे हैं प्रोग्राम में, देखिए आप अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं, आप देखिए एरर, ये करली ब्रैकेट की एरर आ रही है, इसका मतलब है मुझे क्या करना है, वापस नोटपैड में जाना है, तो ऑल्ट टैब से हम नोटपैड में गए, यहां पर मैंने वापस से करली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, सेव किया प्रोग्राम को, वापस ऑल्ट टैब से यहां आ गए, एरो की से पुरानी कमांड वापस आ जाएगी, ठीक है, एरो अप एरो की से, सो ये मैंने इसको कंपाइल किया। अब देखिए अब मैं इसके बाद DIR करता हूं, तो नाउ विल फाइंड test.java एंड test.class, ठीक है, अब ये दोनों आ गई, test.java भी और test.class भी, राइट। अब यहां पर हमने CLS जावा और टेस्ट, तो आप देखिए ये आउटपुट आ गया, वेलकम इन डेटा फ्लेयर फर्स्ट जावा फ्री जावा कोर्स। तो दिस इज द स्टेप यू नीड टू फॉलो टू राइट द फर्स्ट जावा प्रोग्राम, कि आपको क्लास बनानी है, उसमें मेन लिखना है, पब्लिक स्टैटिक, लेकिन प्लीज वेट टिल नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम पब्लिक क्यों लिखा, स्टैटिक क्यों लिखा, स्ट्रिंग ARGS का क्या मतलब है, ओके, सिस्टम कौन, आउट कौन, प्रिंट एलन कौन, ये सारे क्लास सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, और वही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कि हाउ टू राइट ए जावा कोड, राइट द फर्स्ट जावा प्रोग्राम विद जावा कोड। ये तो अभी हमने स्टेप देखी है कि जावा के प्रोग्राम के लिए अगर आप नॉन IDE एनवायरमेंट में है, सो व्हाट इज द स्टेप यू नीड टू फॉलो, आपको कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है, ओके। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, और उसके बाद तो फिर आप इसमें जाके मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, लाइक आई कैन राइट हियर सेकंड लाइन, ओके, सेकंड लाइन में मैंने लिख दिया वेलकम इन जावा वर्ल्ड, ठीक है, उसके बाद आपने लिख दिया ओके टाटा बाय बाय, जो भी आप लिखना चाहें, ओके, आपने लिख दिया ओके बाय, ठीक है। तो ये आपने जावा का सिंपल सा प्रोग्राम लिखा, जो भी चेंज करें उसको सेव करें, कमांड प्रॉम्प्ट में आए, फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करें, अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं, और अगर आपने सीधे लिख दिया जावा, ये भी ध्यान रखिए जावा टेस्ट, तो वो प्रीवियस आउटपुट देगा, क्योंकि आपकी डॉट क्लास फाइल फिर से जनरेट होगी जब आप फिर से कंपाइल करेंगे, क्योंकि हमने प्रोग्राम में लॉट ऑफ चेंजेस करें, तो अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो वापस से कमांड प्रॉम्प्ट में आए, फिर से कंपाइल करें जावा सी test.java, और अगर आप लिखना नहीं चाहते तो एरो की से ये सारी कमांड आपको मिल जाएंगी, कंपाइल करें फिर रन करें, सो दैट यू विल गेट द योर अपडेटेड रिजल्ट। तो यदि आप कुछ भी चेंज करते हो तो स्टेप वन पे सेव करें, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करें, रन करें, तो आपको वो अपडेटेड इफेक्ट शो होगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको जावा का कोड लिखना है। हमने थ्योरेटिकल इसकी बात की, और ये अभी हमने इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, आगे तो मंजिल अभी दूर है और मजेदार है, ये सफर बहुत शानदार होगा जावा का, ये मेरी श्योरिटी है आपसे, ठीक है, क्योंकि बहुत शानदार लैंग्वेज है, बहुत हर्डल्स भी आएंगे, लेकिन मजेदार रास्ता है जावा का अपने करियर तक पहुंचने के लिए, राइट। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में जावा के ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब सबसे पहला जावा का प्रोग्राम विद कोड हम समझेंगे इसको, कि ये तो अभी स्टेप थी, लेकिन व्हाट यू शुड राइट वंस यू राइट द जावा प्रोग्राम, कि आपको क्या क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में आपने क्यों लिखा है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।